के सांसद छतर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर धार से दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, दुखद मौत की खबर सामने आई है। तो सर अब तक किस तरह का वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, किस तरह की मदद की जा रही है सरकार की तरफ से? जी हम अभी दिल्ली से राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट से बाहर हुए, हमें जानकारी मिली, बड़ी दुखद घटना हुई। महाराष्ट्र रोडवेज की बस इंदौर से जा रही थी पुणे और खलघाट पुल से नीचे गिर गई है, भर बीच नदी में गिरी है। 40-45 की जानकारी अभी सरसरी आई है पैसेंजर से, उनमें से कुछ को बचाया, कुछ 100 निकाले गए हैं और हमारी जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। समाज सेवी संस्थाएं भी आ गई है, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक, समाज सेवी संस्थाएं और युद्ध स्तर पे जितना ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके वो काम चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बड़े संवेदन होके उस पर हार्ड लाइन पे है और हमारे एक मंत्री भोपाल से कमल पटेल जी को मौके भेजे है और मैं भी शाम को जाऊंगा। अभी अभी हम पार्लियामेंट से बाहर ही है, मैम जानकारी आई है। तो सर सरकारी स्तर पर किस तरह की मदद की जा रही है, टीम को किस तरह की मदद दी जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम दिया जाए? बात सुनो, जो आज अभी हादसे में जो तत्काल आवश्यक है बचाने के जो भी उपकरण है, टेक्निक है, वो सारी अपनाते हुए कर रहे हैं। हादसा हादसा होता मैम, कोई पहले से आभास नहीं सकती ऐसा होगा। जब जो भी वर्तमान स्थिति में जितना भी अधिक से अधिक प्रशासन, मुख्यमंत्री, SP, कलेक्टर, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के पदाधिकारी, समाज सेवी संस्थाओं के लोग, आसपास के एरिया के लोग, गांव के लोग भी आ गए हैं, सारा काम चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए।